चौराहे तरफ। दोस्तों ये देखिए मूर्ति की दुकान है, दीपावली में कितनी अच्छी भव्य मूर्तियां लगी हैं। और ये दुकानदार भाई हैं हमारे, दुकानदार भाइयों से पूछते हैं इस बार दीपावली के त्यौहार में लोगों में कैसी उत्सुकता है, कैसा क्या सिस्टम है, बाजार में मंदी है कि बाजार चल रही है, कैसा क्या है। दुकानदार भाई हैं ये, तो भैया आप बताइए कैसा क्या इस बार का सिस्टम है। बहुत हल्का चल रहा है सर, बहुत हल्का चल रहा है, मंदी बहुत ज्यादा है, बहुत मंदी चल रही है, मंदी है मार्केट में। ओके, देखिए जनता में खूब उल्लास है, लोग त्योहार को त्योहार के रूप में मना रहे हैं, लेकिन दिवालियां बहुत तेज बिकती थी, इसमें दिवालियां कम बिक रही हैं। हर वर्ष डियालियां ज्यादा बिकती थी, लोग इसमें मोमबत्ती का ज्यादा, लेकिन अब तो लोग चाइना मेड आइटम अपने देश से हटा रहे हैं और डियालियों को ही प्रमुखता दी गई है। चाइना नहीं, ये सब तो इस वजह से हम दिखाना चाहते हैं दोस्तों, अपने देश का ही माल यूज कीजिए, अपने देश की मिट्टी यूज कीजिए, हुंडे यूज कीजिए। इस बार दीपावली में हम लोग अपने पुरानी परंपरा, अपनी पुरानी पद्धत, सनातन धर्म की जो संस्कृति है, दिवाली में मिट्टी के दिए जलाएंगे। और पूरे देश में यही देशवासियों को संदेश देना चाहता हूं आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कि लोग अपने अपने घरों में केवल यही मिट्टी वाले दीपक जलाएं, जिससे अपने देश का माल बिकेगा, अपने देश का जो ये सिस्टम है पुराना सिस्टम, इससे अपने जो लोग ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो सब खुशहाल होंगे, और विदेशी माल ना खरीद के दीपावली के अवसर पर अपने देश का ही माल खरीदें, अपने देश की बनी हुई झालरें लगावें, चाइना मेड कोई भी आइटम ना लगावें, विदेशी माल को भी अपने देश की मिट्टी से ही बर्तनों का प्रयोग करें। धन्यवाद दोस्तों। चाइना का माल आ गया है, इसमें आप लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल करने लगे, वो कुछ चमक दमक होती है, और अपने देश को कुछ भूल है, क्यों ये मतलब अपने देश के आदमियों में कमियां हो गई हैं। यही संदेश हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से अपने देश को देना चाहते हैं कि बहुत शुद्ध माना गया हुआ है, इसको पवित्र कहते हैं, और अपने देश की मिट्टी है। अब मोमबत्ती का प्रयोग लोग ज्यादा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? देखो दोस्तों मकान कितने प्यारे प्यारे सजे हुए हैं, दीपावली का माहौल है, बहुत ही अच्छा माहौल है, और बहुत यहाँ पे देखिए शांत पूर्वक वातावरण है। 11 बजे के समय में भी मार्केट में चहल पहल, धूम सब तरीके की है। ये तो आखिरी महीने का त्यौहार है, इस वजह से कुछ तो मंदी रहेगी। ये देखिए दोस्त, सब लोग त्योहार की खुशियां मना रहे हैं, और कितनी प्यारी प्यारी दुकानें सजी हुई हैं, महंगाई बहुत, और महंगाई तो अपनी जगह की बात है, लेकिन देखिए दोस्तों ये गोपाल नगर गुप्ता चौराहे का सीन है, गुप्ता चौराहे का दृश्य है। जनता में दीपावली का उल्लास है दोस्त। अभी तक हम लोग दुकानदारों से बात कर रहे थे, अब मिलते हैं जनता जनार्दन से। ये देखिए अब हम चौराहे पे जनता के बीच में आ चुके हैं, और मैं ये भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? राजेश जी बैठे हुए हैं, राजेश जी से हम अपना प्रश्न करेंगे। राजेश जी हमें ये बताइए कि इस बार त्यौहार को आप लोग किस रूप से मना रहे हैं, किस कैसा माहौल है, कैसा क्या है, पैसे के क्या सिस्टम है, और क्या है जो जैसा हो आप जरा बताइए हम लोगों। आप बढ़िया माहौल है, आराम से आदमी अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसके बाद जैसा पैसा है अपने हिसाब से मैनेज कर रहा है, जिसके पास कम है तो कोई कम बना रहा है, कोई ज़्यादा है तो कोई ज़्यादा। देखिए ये राजेश जी ने कितना अच्छा मैसेज बताया जनता के लिए, अपने अपने सिस्टम के हिसाब से सभी लोग काम कर रहे हैं। पिछले साल से इस साल कुछ ज़्यादा महंगाई समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज मिलेंगे दिखाते रहेंगे। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद।